कहते हैं जंगल में शिकार तो बहुत सारे जानवर करते हैं, लेकिन जो टाइगर शिकार करता है उसकी बात ही अलग होती है। और बॉलीवुड के टाइगर हैं सलमान खान, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी और बहुत बड़ा फैन बेस है ना केवल भारत में बल्कि दुनिया में। और इनकी टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म भी आने वाली है, दिवाली रिलीज है और इसका एक टीजर आया है जिसका काफी हो हल्ला मार्केट में मचा हुआ है। टाइगर का मैसेज और क्या मैसेज दे रहे हैं वो तो आप जाकर टीजर में देख ही सकते हैं या देख ही लिया होगा। तो एक मैसेज दे रहे हैं भारतीयों को और फिर आगे एक्शन वैक्शन शुरू होता है एज यूजुअल। तो यशराज फिल्म की ये एक स्पाई यूनिवर्स की एक और फिल्म होगी, ये टाइगर से ही स्पाई यूनिवर्स कह सकते हैं, यही जन्मदाता है, वहीं से ये सारी कहानी 2012 से शुरू हुई थी जब पहली बार एक था टाइगर ये लेकर आए थे और कबीर खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो यशराज बैनर को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा कंटेंट है और इसको आगे बनाना भी चाहिए। तो उसके बाद ऑफकोर्स टाइगर जिंदा है आई 2017 में, वो भी ब्लॉकबस्टर साबित रही। तो पहली टाइगर को डायरेक्ट किया था कबीर खान ने और फिर दूसरी टाइगर आई तो उसको अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया, दोनों ही बड़ी हिट रही। अब तीसरी जो ये टाइगर आ रही है ये है इसके डायरेक्टर मनीष शर्मा। मनीष शर्मा डायरेक्टर के बारे में मैं बता देता हूँ, इन्होंने कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर तो काम किया ही। जो इनकी फिल्में हैं बैंड बाजा बारात और साथ में शुद्ध देसी रोमांस और फैन शाहरुख खान की जो थी, हालांकि बहुत ऐसी कमाल की फिल्में तो नहीं बनाई हैं। और इन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी जो काफी हिट रही थी, आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर को लेकर जोर लगाकर हईसा, काफी अच्छी फिल्म थी। तो अब आदित्य चोपड़ा ने इनको जिम्मेदारी दी है टाइगर सीरीज की इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। क्या कुछ होगा वो तो देखकर ही पता लगेगा, लेकिन हाँ सीरीज इस टीजर की काफी बजिंग है। एक्शन एज यूजुअल जो स्पाई यूनिवर्स का रहा है अब पठान के बाद तो और ज्यादा बढ़ गया है, तो वॉर पठान इसको भी ऐड किया जाना है जिस तरीके से आपने पोस्टर में भी देखा होगा। तो इस फिल्म में मनीष शर्मा क्या कुछ लेकर आने, क्या स्टोरी होगी तो देखकर पता लगेगा। तो पहली जो टाइगर है वो रिलीज हुई थी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर, दूसरी जो वो क्रिसमस पर, अब ये दिवाली पर रिलीज हो रही है। कई कई लोगों का कहना है कि टाइगर में ऑफकोर्स इमरान हाशमी है, शाहरुख खान है, तो इनको क्यों नहीं टीजर में यूज किया गया। भाई देखो ये टाइगर यानी सलमान खान की फिल्म है तो सलमान खान नहीं चाहेंगे कि जो पहला टीजर आए उसमें क्रेडिट कोई और ले जाए। तो ऑफकोर्स उनकी फिल्म है तो पहला उन पर ही फोकस होना चाहिए। आने वाले टीजर में हो सकता है कि आपको इमरान हाशमी भी देखने को मिले जो नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं, शाहरुख खान का कैमियो रोल है, रेवती भी नजर आएंगी इस फिल्म में एंड ऑफकोर्स रणवीर शोरी भी होंगे। तो और भी क्या कुछ अपडेट टाइगर को लेकर, टाइगर सीरीज की जो मूवी आने वाली है यशराज की स्पाई यूनिवर्स की, क्या रहेगी, आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स एंड ऑफ कोर्स व्यूज देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, दिस इज सरकार राज, टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।